तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ मज़ेदार चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो चीज़ है डेवलपर ऑप्शन। तो डेवलपर ऑप्शन से बहुत कुछ होता है जो आप चाहते हैं, आपका मोबाइल डेवलप हो जाता है। तो कुछ कुछ मोबाइल में वो डेवलपर ऑप्शन जो है वो पहले से ही रहते हैं, और कुछ कुछ मोबाइल जो है उसमें नहीं रहते हैं। तो ज़्यादातर मोबाइल में नहीं रहता है। तो आप देख लीजिए कि मेरे में भी डेवलपर ऑप्शन नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मोबाइल डेवलपर ऑप्शन में है या नहीं है, डेवलपर मोड है या नहीं है। तो पहले तो आप अपने सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद एकदम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए। उसके बाद आप देखेंगे अबाउट फोन आएगा। डेवलपर ऑप्शन अगर आपके मोबाइल पे होगा तो अबाउट फोन के ठीक ऊपर ही होगा, ये यहाँ पर इस जगह पे होगा। तो मेरा तो अभी नहीं है तो इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उस डेवलपर ऑप्शन को ले आ जा सकता है। तो अगर आप डेवलपर ऑप्शन को ले आना चाहते हैं तो पहले अपने अबाउट फोन में जाइए। उसके बाद यहाँ से आपका बहुत कुछ दिख नहीं सकते हैं कि अपने मोबाइल का सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहेंगे। एंड्रॉयड वर्सन है, प्रोसेसर इन्फो, IP है, मॉडल नंबर है, कर्नल वर्जन है, बिल्ड नंबर है, सॉफ्टवेयर वर्जन है, बेस्ट बैंड वर्जन है, सब कुछ है यहाँ पर। तो आपको ये जो बिल्ड नंबर है ना, वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। आप क्लिक करते रहिए जब तक आपको कोई पॉपअप आए कि योर डेवलपर ऑप्शन इज फॉर क्लिक लेटर 3 क्लिक लेटर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे होता है। देखिए मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, 3 देख लें, 3 स्टेप्स, 1 स्टेप, ओके, यू आर नाउ ए डेवलपर ऑप्शन। तो आप बिल नंबर में ही क्लिक करते रहना इस तरह से, तो आपको आ जाएगा। तो मेरा तो दिख लिया कि आप यहाँ पर आ गया कि यू आर नाउ ए डेवलपर। बैक करके ये लो, यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन आ गया। तो आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं, जी सेंसर का कैलिब्रेशन है, बग रिपोर्ट दे सकते हैं, डेस्कटॉप बैकअप पर पासवर्ड ये कर सकते हैं। ये है डेस्कटॉप का फुल बैकअप आर नॉट पासवर्ड प्रोटेक्टेड। मैं अभी अभी किया हूँ इसलिए यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं दिखा रहा है। स्टे अवेक, ये है कि ये जो आपका स्क्रीन है वो कभी ऑफ नहीं होगा। ब्लूटूथ HDMI स्नूप सब कुछ यहाँ पर है। वो अनलॉकिंग प्रोसेस स्टैट्स, गीकी स्टैट्स अबाउट रनिंग प्रोसेसेस, ओके, यहाँ से आप प्रोसेस देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर है। और फिर USB डिबगिंग कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया USB डिबगिंग, ओके। तो यहाँ से आप और कुछ भी कर सकते हैं, जो सो टचेस कर सकते हैं कि आपका टच दिख सकता है इस तरह से। उसके बाद पॉइंटर लोकेशन कर सकते हैं कि आपका पॉइंटर लोकेशन लोकेट करे, ये नहीं करना ठीक है। सरफेस अपडेट्स कर सकते हैं, ये एकदम से बुरा चीज़ है, ये नहीं करे तो ही ठीक है। बॉन्ड्स भी है, बहुत सारे डेवलपिंग, ये एक्चुअली डेवलपिंग का ऑप्शन है। तो आप यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर है एनिमेशन भी है, तो आप अगर ऑफ कर देंगे तो ये जो एनिमेशन है सब ऑफ हो जाएगा। GPU रेंडिंग, GPU अपडेट्स, ये सब है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, हाँ कमेंट करना कि आपको और कौन सा वीडियो लगेगा, तो मैं आपके लिए वो रेडी रखूँगा। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, वो जो लाल वाला बटन है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना, और उसके पास जो घंटी वाला ऑप्शन है उसको भी क्लिक कर देना। तो यार चलता हूँ, फिर आऊँगा अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ अलग सा वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको लिए रेडी रखूँगा। ओके बाय।